सेनापति पिता का बयान आया पहले हेरिटेज टैक्स को लेकर के, अब उन्होंने भारतीयों के लुक्स को लेकर, उनके स्किन कलर को लेकर के नस्लवादी टिप्पणी भी की, आज उसको अधीर रंजन चौधरी ने भी सपोर्ट किया, तो आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? नहीं, ये कांग्रेस के लोग आज देखो पाकिस्तान की बयान बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान अनुबॉम्ब रखता है, ये क्या सैम पित्रोदा, क्या नाम उसका, उसने तो बोला है कि पहले तो प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी लोग क्यों रखते हैं, अपने बाद अपने परिवार को मिले, बाल बच्चों को मिले, वो प्रॉपर्टी के ऊपर उनका हक है, प्रॉपर्टी हड़प करके सरकार जमा करेंगे, ये क्या है, एक नस्लिया एक नस्ल के ऊपर आरोप लगाना, ये तो कौन सी नसीहत है, ये तो ये इतना पहले कभी देखा नहीं था, हमने कभी सुना भी नहीं था, ये कांग्रेस इतने निचले स्तर पे गिरेगी। सर, जो स्किन कलर को लेकर के और फेस लुक्स को लेकर के जो टिप्पणी आई है कि साउथ के लोग जो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, वेस्ट के लोग अरबियन जैसे दिखते हैं, ईस्ट के लोग चाइनीज हैं, नॉर्थ के लोग वाइट है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो ये ऐसा राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया इन्होंने, ये व्यक्तिगत तौर पे, जातिगत तौर पे, नस्ल के तौर पर आरोप लगाना, भेदभाव करना, इसका जवाब तो लोग जनता देगी इनको चुनाव में, इनकी जगह दिखा देगी, सर राहुल इनको घर भेज देगी।